नगर निगम के मेयर चुनाव का पार्षदों के माध्यम से चुनाव होने के आदेश के बाद तीनों दलों में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस ही सफाई दे रहे हैं कि शासन इस मामले में पहले टीम बनाकर सर्वे करेगा, उसके बाद आदेश लागू होगा। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र बोल्डर ने कहा है कि ऐसी ही अफवाह के कारण बीजेपी 65 से 15 सीट पर सिमट गई है। बीजेपी के मनीष अग्रवाल ने कहा है कि इस प्रक्रिया से बड़े लोगों को फायदा होगा, छोटे कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाएंगे और खरीद फरोख्त होगी, ऐसे में दल बदल कानून लागू होना चाहिए। आपको बता दें कि जोगी कांग्रेस के विक्रांत तिवारी का कहना है कि सरकार ने डर से ये कानून बनाया, इसका असर नगर निगम चुनाव में धनबल के माध्यम से दिखेगा। ये सरकार ने ये कदम उठाकर स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं सरकार को समझ में आ गया है कि जनता का रुख अब कांग्रेस से अलग हो चुका है, कांग्रेस की दिशा से जनता विमुख हो चुकी है, इसीलिए ये डर के उन्होंने ये कदम उठाया है जिसकी आज हम लोगों को सुध लगी है। और मुख्यमंत्री ने भी एक अंदेशा दिया है कि अब प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होंगे। सरकार की तर्ज पर आज छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की कि पार्षद यदि महापौर और अध्यक्ष चुनते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, सत्तासीन पार्टी जिस प्रकार से पिछले दिनों यह बात उठी थी कि ईवीएम में न चुनाव कराकर बैलेट में चुनाव कर, सीधा इलेक्शन होता था, आज से 20 साल पहले महापौर को पार्षद ही चुनते थे, तो कुछ अगर मांग उनके पास आई है तो उस बात उस मांग को एक टीम बनाकर उसको विचार कर रहे हैं और विचार में जो सामने निकल कर आएगा उसको मान्य किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में